हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेलर टेक्निक में। दोस्तों आज मैं आपको नोच लेपल सिंगल ब्रश टू बटन कोट की कटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस कोट के बैक साइड डबल चाक है, तो चलिए इस कोट की कटिंग कैसे की जाती है मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। दोस्तों कटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इसके मेजरमेंट के बारे में बता दूंगा। लंबाई है 27 इंची, चेस्ट है 34 इंची, वेस्ट है 32 इंची, हिप है 34 इंची और शोल्डर है 16 इंची, स्लीव लेंथ है 22.5 इंची और स्लीव मोहरी है 10 इंची। तो दोस्तों कटिंग शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक खास रिक्वेस्ट है, अगर हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाले हमारे जो भी वीडियो होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों हमारी वीडियो पे बने रहें, चलिए अब हम कटिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हम अच्छी तरह से बिछा लेंगे और देखिए ऊपर की तरफ 1 इंची छोड़कर एल स्केल से हम देखिए इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग से देखिए हम लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। लंबाई हमारा है 27 इंची, देखिए 27 पर हम निशान लगा लेंगे और 2 इंची नीचे की तरफ और एक निशान लगाएंगे हम, देखिए 2 इंची नीचे की तरफ और एक निशान लगाएंगे जो हमारे नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब हम वेस्ट लाइन के निशान लगाएंगे हम 16 इंची पर। अब हम चेस्ट लाइन के निशान लगाएंगे, हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा मैंने 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंची पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंची ऊपर की तरफ और एक निशान लगाएंगे और ऊपर से 1.25 इंची नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। सेम निशान हम यहाँ पर भी लगा लेंगे हम। देखिए हमारा निशान लग चुका है। ये निशान देखिए मेरा सारा लग चुका है। दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो रहा है। देखिए हम नीचे से देखिए 2 इंची पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 इंची, यहाँ पर 1.5 इंची और देखिए यहाँ पर 1 इंची पर निशान लगाएंगे। तो देखिए हमारा ये निशान सारा लग चुका है। अब देखिए हम सीधा स्केल से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और हम राउंड स्केल को लेंगे। अब देखिए राउंड स्केल को कुछ इस तरह से हम बिछाएंगे और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। अब देखिए हम बैक गले की चौड़ाई के निशान लगाएंगे। हमारा बैक गले की चौड़ाई देखिए हमारा चेस्ट का 12वां भाग और इस निशान से 3/4 इंची ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। अब देखिए हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर हमारा है 16 इंची, 16 का हाफ 8 और 1/2 इंची प्लस करके निशान लगाएंगे, यानी 8.5 इंची पर निशान लगा। और देखिए पूरे कपड़े को हम नाप लेंगे। देखिए ये हमारा आ रहा है 9.5 इंची, इस पे 1 इंची माइनस करके निशान लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा राउंड स्केल है, इस स्केल को कुछ इस तरह बिछाएंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे हम। और देखिए स्केल को इस तरह से बिछाएंगे हम, देखिए तख्ती का निशान लगा लेंगे और देखिए बैक गले का राउंड शेप में कुछ इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर 1/2 इंची हम सिलाई के लिए मार्जिन देंगे। अब देखिए हम वेस्ट राउंड का मेजरमेंट करेंगे। हमारा वेस्ट है 32 इंची, 32 का 6वां हिस्सा का निशान लगाएंगे यहाँ। अब हमारा हिप है 34 इंची, 34 इंची का 6वां हिस्सा यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1/2 इंची सिलाई के लिए हम मार्जिन देंगे। तो देखिए ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम देखिए इस तरह से स्केल को बिछाएंगे और हम निशान लगाएंगे। देखिए इस स्केल को कुछ इस तरह से हम बिछाएंगे और अच्छी तरह से सेफ लगा लेंगे हम। तो दोस्तों देखिए हमारा बैक पार्ट का निशान लग चुका है। अब देखिए हमारा बैक साइड डबल चाक है, तो देखिए चाक का निशान कैसे लगाई जाती है हम लगाते हैं। देखिए 7 इंची पर एक निशान लगाएंगे हम और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और देखिए हम
चाक का मार्जिन देंगे 1.5 इंची, तो देखिए ये हमारा चाक का निशान लग चुका है। अब देखिए चाक का जो हमारा सिलाई का मार्जिन देंगे इधर ऊपर की तरफ 1 इंची पर निशान लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा देखिए सिलाई के लिए ये मार्जिन है, देखिए ये हमारा देखिए हमारा बैक पार्ट का सारा मार्किंग कट कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिए इस कोट का फ्रंट पार्ट का कटिंग की तरफ आते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट कपड़े को हम अच्छी तरह से बिछा लिए हैं और देखिए ये जो किनारे पीस थे किनारे पीस छोड़ करके हम 1 इंची पर निशान लगाएंगे। और देखिए सीधा स्केल से हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए ये हमारा मार्किंग लग चुका है। अब देखिए ये हम बैक पार्ट को कुछ इस तरह से हम बिछाएंगे। देखिए हमने जो मार्किंग लगाया उस पर इस तरह से बैक को हम रख लेंगे और हमने जो बैक पार्ट में जितने भी मार्किंग लगाया है वो सारे मार्किंग को हम कॉपी कर लेंगे। दोस्तों फ्रंट पार्ट में अलग से हमें मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा बैक पार्ट में जो भी मार्किंग लगा हुआ है सेम उसी मार्किंग के अंदाज से हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा बैक पार्ट का सारा मार्किंग को कॉपी कर लिए हैं। अब देखिए सारा मार्किंग को हम स्केल से लाइनिंग खींच लेंगे। तो देखिए ये सारा मार्किंग को हम लाइनिंग खींच लिए। अब देखिए हम चेस्ट का चौथा हिस्सा का मेजरमेंट लेंगे। हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा देखिए 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंची आ रहा है, इसमें 1.25 इंची यानी 3/4 माइनस करके निशान लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा 1.25 इंची आ रहा है, देखिए 1.25 इंची का निशान यहाँ पर भी हम लगा लेंगे। और देखिए स्केल से कुछ इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए बीच में एक निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ 0.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। अब हम बैक को लाएंगे और देखिए यहाँ से हम मिलाएंगे और देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर डाउन होगा देखिए 2 सूता कम यानी 1/4 इंच कम करके निशान लगाएंगे हम और स्केल को कुछ इस तरह से बिछाएंगे। और देखिए इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम हमारे चेस्ट का चौथा हिस्सा का मेजरमेंट लेंगे। हम सेम निशान यहाँ पर भी लगाएंगे और सेम निशान यहाँ पर भी हम लगा लेंगे। और देखिए सीधा स्केल से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे यहाँ तक। और उसके बाद देखिए ये जो निशान देख रहे हैं यहाँ से हम 1.5 इंची आगे की तरफ निशान लगाएंगे। और देखिए राउंड स्केल को लेंगे और इस निशान से मिलाएंगे हम और देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। उसके बाद देखिए ये जो निशान देख रहे हैं इस निशान से 2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे हम। और देखिए हमारा आर्म होल कुछ इस तरह से निशान लगेगा। देखिए इस तरह से स्केल को बिछा लेंगे और देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे। और देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से हम गोलाई का निशान लगा लेंगे हम। देखिए हमारा फ्रंट का आर्म होल का ये निशान लग चुका है। अब देखिए
निशान से देखिए हम 1.5 इंची पर एक निशान लगाएंगे हम, और देखिए 4.25 इंची पर निशान लगाएंगे, जो ये मेरा ऊपर का पॉकेट बनेगा। देखिए इस निशान से 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे हम, और देखिए स्केल से इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। और इस निशान से ऊपर की तरफ 3/4 इंच पे निशान लगाएंगे, जो हमारा पॉकेट का जो वॉलेट बनेगा उसका चौड़ाई होगा। तो देखिए हमारा वॉलेट का निशान लग चुका है। अब देखिए हम फर्स्ट बटन का निशान लगाएंगे, नीचे से हम हमारा लंबाई का तीसरा हिस्सा यानी 9 इंच पे निशान हम लगाएंगे। ये हमारा कोट का फर्स्ट बटन का निशान रहेगा। ये देखिए ये हम फर्स्ट बटन का निशान लगा लिए, और इस निशान से ऊपर की तरफ 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये मेरा सेकंड बटन का निशान लगेगा। तो देखिए ये हमारा सेकंड बटन का निशान लग चुका है। इस निशान से 3/4 इंची पे और एक निशान लगाएंगे हम, जो यहां से हमारा लेवल टूटेगा। अब देखिए यहां से 1/4 इंची पर एक निशान लगाएंगे हम, और देखिए स्केल को इस तरह से बिछा लेंगे हम। ये दोनों मार्किंग जो देख रहे हैं इस तरह से मिलाएंगे हम। देखिए स्केल को हम आगे की तरफ सरका लेंगे थोड़ा सा, और देखिए यहाँ से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और देखिए यहाँ से देखिए हम नीचे की तरफ देखिए 2.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे, और स्केल को कुछ इस तरह से बिछाएंगे हम इस मार्किंग से, देखिए और निशान लगा लेंगे हम। अब देखिए हम लेपल का चौड़ाई का निशान लगाएंगे, हमारे लेपल का चौड़ाई 2.25 इंची पे लगाएंगे। तो देखिए ये हमारे लेपल का चौड़ाई का निशान लग चुका है। अब देखिए इस तरह से स्केल को बिछाएंगे हम, और हम लेपल का शेप दे देंगे हम। तो देखिए हमारे लेपल का निशान लग चुका है। अब दोस्तों देखिए हम पिक का निशान लगाएंगे हम 1/2 इंच पर। जो हमारे यहां से कोट का कलर लगेगा, तो दोस्तों देखिए ये हमारा निशान लग चुका है। अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट बटन देख रहे हैं, ये फर्स्ट बटन का सेंटर से हमारा जो नीचे का पॉकेट बनेगा बिल्कुल इसी सेंटर से मेरा पॉकेट बनेगा। हमारा ये जो पॉकेट देख रहे हैं ऊपर का, इसका बीच में एक निशान लगाएंगे हम, और देखिए ये जो निशान देख रहे हैं यहाँ से हम यहाँ तक नापेंगे। हमारा जितना भी आ रहा है देखिए सेम निशान हम यहाँ पर भी लगा लेंगे हम। और स्केल से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे हम, जो मेरा ये डॉट बनेगा। देखिए इस निशान से नीचे की तरफ 2 इंची पे निशान लगाएंगे, जो मेरा डॉट स्टिचिंग यहीं तक होगा। और देखिए ये जो निशान देख रहे हैं यहाँ से 3/4 इंची पे एक निशान लगाएंगे हम, जो मेरा पॉकेट यहाँ तक आएगा। और देखिए इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और अब देखिए हम फ्लाप का चौड़ाई का निशान लगाएंगे। हमारा फ्लाप का चौड़ाई देखिए 2.25 इंची का रहेगा। तो देखिए हम 2.25 इंची पे निशान लगा चुके हैं, और हमारा फ्लब का सामने पोजीशन का जो सेब है वो राउंड रहेगा। देखिए राउंड शेप में
निशान लगा लिए हम। तो दोस्तों देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट को लाते हैं और फ्रंट पार्ट को हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ये जो मार्जिन देख रहे हैं, इस ये मार्जिन को छोड़ करके हम मेजरमेंट करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ से मेजरमेंट टेप को लगाएंगे और हम नाप लेंगे मार्जिन छोड़ करके हमारा जितना भी आएगा। तो देखिए, ये हमारा 6.5 इंची आया मार्जिन छोड़ करके। और देखिए यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 5.5 इंची आया। और देखिए यहाँ पर हमारा, देखिए मार्जिन को छोड़ करके 5.25 इंची आ रहा है। और देखिए ये सेम सारा चीज़ हम, देखिए हम फ्रंट पार्ट में भी उतार लेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट लेने में सहूलियत हो, देखिए बैक पार्ट में हमने जो भी मार्किंग लगाए सारा चीज़ को हम, देखिए हम उतार लिए हम, सारा मेजरमेंट को उतार लिए हम। और अब देखिए हम लूजिंग का मेजरमेंट लेंगे हम। हमारा इस कोट का लूजिंग देखिए 3.5 इंची पे देंगे। देखिए 3.5 इंची पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 4 इंची पे निशान लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो 6.5 इंची देख रहे हैं आप, 6.5 इंची को, इंची टेप को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे हम और इस निशान से हम मिला के इंची टेप को रखेंगे। और हमारा चेस्ट है 34 इंची, 34 का हाफ, 17 इंची। देखिए मेरा जहाँ आप पे आ रहा है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो देखिए हमारा निशान लग चुका है। ये जो देख रहे हैं 5.5 इंची, देखिए 5.5 इंची इंची टेप को कुछ इस तरह से पड़ेंगे और इस निशान से हम इंची टेप को रखेंगे। और हमारा वेस्ट है 32 इंची, 32 का हाफ 16। तो देखिए हम 16 पे निशान लगाएंगे हम। तो देखिए ये हमारा निशान लग चुका है। अब देखिए ये हमारा 5.6 इंची आ रहा है। देखिए हम 5.6 इंची को इंची टेप को कुछ इस तरह से इस निशान से लगाएंगे। और हमारा हिप है 34 इंची, 34 का हाफ 17। तो देखिए 17 इंची पे हम निशान लगा लिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा सारा निशान लग के कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्केल को कुछ इस तरह से हम बिछाएंगे और हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा मार्किंग सारा लग के कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हम चाक का निशान लगाएंगे हम। हमने जो बैक पार्ट में निशान लगाया था सेम उसी तरह यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे। हमने जितना मार्जिन रखा था सेम उतना ही इसमें भी रखेंगे। देखिए हम 1.25 इंची का इसमें भी मार्जिन रखेंगे हम। देखिए हमारा निशान लग चुका है। देखिए 1 इंची सिलाई के लिए हम मार्जिन देंगे। दोस्तों देखिए हमारा चाक का निशान लग चुका है। दोस्तों देखिए, अब हम हमारा जो साइड पीस है इसमें हम 1 इंची का एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे हम। जो मेरा इस निशान से मेरा कटिंग होगा दोस्तों, कोट में 1 इंची मार्जिन एक्स्ट्रा रखना हमें बहुत जरूरी है, जो हमारे फ्यूचर में बहुत काम आता है। अगर हमारा बाई चांस कोट टाइट हो जाएगा तो हम कभी भी लूज कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से मेजर मिलेंगे हम। देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और देखिए इस निशान से हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इसका बीच में एक निशान लगाएंगे हम। और ये दोनों मार्किंग का बीच में और एक निशान लगाएंगे हम। देखिए मेरा निशान लग चुका है और स्केल से कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे हम।
और देखिए ये हमारा फ्रेंच कर्व स्केल है, इसके मदद से हम यहाँ पर कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और देखिए ये जो हमारा स्केल देख रहे हैं कुछ इस तरह से बिछाएंगे हम, हमने जो हाफ इंची पे निशान लगाया था उस निशान से मिला करके देखिए इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और स्केल को कुछ इस तरह से पलट लेंगे। और इस तो दोस्तों देखिए ये हमारा मार्किंग लग चुका है। और देखिए हम दामन की तरफ आते हैं, हमारा फ्रंट पार्ट में देखिए यहाँ पर 3/4 इंच पे निशान लगाएंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट सामने की तरफ 3/4 इंच डाउन रहता है। देखिए हम निशान लगा लिए और हमारा जो फर्स्ट निशान है उसे हम कट लगा लेते हैं। हमारा जो ये निशान देखकर इसमें हमारा फोल्डिंग हो जाएगा और जो नीचे की तरफ है उसमें हमारा कटिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम और ये 2 इंच पे निशान लगाए हैं हम, और ये जो निशान देख रहे हैं आप ये दोनों निशान से स्केल को कुछ इस तरह से हम मिला लेंगे। और देखिए हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हम राउंड शेप में निशान लगा लेंगे हम। तो दोस्तों देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का सारा निशान लग के कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए हम सामने पोजीशन में हाफ इंच कपड़े को रख करके कटिंग करेंगे हम। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग सारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम इसके स्लिप कटिंग की तरफ आते हैं। देखिए एल स्केल से हम ऊपर की तरफ एक निशान लगा लिए हम, और सबसे पहले स्लिप का हम लंबाई का मेजरमेंट लेंगे हम। हमारा स्लिप का लंबाई 22.5 इंची है, इसमें 1.5 इंची प्लस करके निशान लगाएंगे हम, यानी 24 इंची पर निशान लगाएंगे हम। तो देखिए हमारा 24 इंची पर निशान लग चुका है और 3 इंची हम नीचे मोरी फोल्ड के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए हमारा निशान लग चुका है, सेम निशान यहाँ पर भी लगा लेंगे हम और स्केल से सीधा लाइनिंग खींच लेंगे। अब देखिए इस निशान से हम जो 3 इंची माइनस करके हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 इंची, इसमें 3 इंची माइनस करके एक निशान लगाएंगे जो हमारा स्लिप डाउन होगा। देखिए हमारा 3 इंची माइनस करने के बाद ये हमारा 5.5 इंची आ रहा है। देखिए 5.5 इंची पे यहाँ पर निशान लगा लेंगे और स्केल से सीधा इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए हमारा मार्किंग लग चुका है और देखिए ये जो हमारा देख रहे हैं ये दोनों मार्किंग के बीच पे और एक निशान लगाएंगे हम। देखिए हमारा निशान लग चुका है और ये जो किनारे पीस देख रहे हैं ये किनारे पीस से हम 1.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे हम। देखिए 1.5 इंची पे मेरा निशान लग चुका है और यहाँ पर देखिए ये किनारे पीस छोड़ करके हम 1/4 इंची पे एक निशान लगाएंगे हम और इस निशान से 1.5 इंची पर एक निशान लगाएंगे। और देखिए ये यहाँ पर किनारे पीस छोड़ करके 1.5 इंची पर निशान लगाएंगे। देखिए ये सारे निशान को कुछ इस तरह से स्केल को बिछाएंगे
मार्किंग कर लेंगे हम। देखिए स्केल को सरका के कुछ इस तरह से हम अच्छी तरह से बिछा लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए ये जो निशान देख रहे हैं हमारा किनारे पीस छोड़कर जो 1.5 इंची का निशान लगा था सेम निशान यहां पर भी लगा लेंगे हम, बिल्कुल सेम निशान, और स्केल से मार्किंग कर लेंगे। अब हम देखिए इस निशान से हमारा चेस्ट का चौथाई हिस्सा 8.5 इंची इस पर 3/4 इंची माइनस करके एक निशान लगाएंगे जो हमारा स्लीव के बाजू की चौड़ाई बनेगा। देखिए ये हमारा 7.5 इंची आ रहा है, देखिए 7.5 इंची का निशान यहाँ पर भी हम लगा लेंगे। देखिए और स्केल से सीधा हम मार्किंग कर लेंगे जो इस निशान से आगे मेरा ताल पीस कटेगा। और देखिए ये मेरा आस्तीन का गोला पीस कटिंग हो रहा है। अब देखिए ऊपर से हम 2 इंची पर एक निशान लगाएंगे जो मेरा गोला बनेगा। ये जो निशान देख रहे हैं इस निशान के बीच में एक निशान लगाएंगे हम देखिए इस निशान से हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और देखिए ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जितना भी मेरा मेजरमेंट आ रहा है इसका 1/6 हिस्सा पे यहाँ पर निशान लगाएंगे यानी 3/4 इंची मेरा आएगा। देखिए ये मेरा निशान लग चुका है और स्केल से कुछ इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहां से हम 1/4 इंची पे एक निशान लगाएंगे और ये देखिए जो निशान देख रहे हैं ये जो हमारा फ्रेंच कर्व स्केल है कुछ इस तरह से हम बिछा लेंगे। देखिए ये हमारा मार्किंग लग चुका है। देखिए इधर भी कुछ इस तरह से स्केल को बिछा लेंगे और इस तरह से गोला का हम निशान लगा लेंगे हम। तो देखिए ये हमारा निशान लगकर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस तरह से हल्का गोलाई दे देंगे हम। देखिए हमारा मोहरी है 10 इंची इसमें 3 इंची माइनस करके निशान लगाएंगे। देखिए हमारा 7 इंच आ रहा है और देखिए इस तरह से हम निशान लगाएंगे हम। ये जो निशान देख रहे हैं यहाँ से 1/2 इंच स्केल को सरका के रखेंगे और इस हिसाब से देखिए निशान लगा लेंगे हम। देखिए ऊपर की तरफ स्केल को सरका लेंगे और वो जो हम 1/2 इंची का जो निशान लगाया था ऊपर में उस निशान पर मिलाएंगे इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। तो देखिए हमारा निशान लग के कंप्लीट हो चुका है। अब जो देख रहे हैं ये निशान से हम 1/2 इंची पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान से इधर 1/2 इंची पर एक निशान लगाएंगे और स्केल से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे जो हमारे इस निशान से मेरा फोल्ड होगा। अब देखिए 3 इंची पर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से
हमारा फर्स्ट वाला निशान से मेरा कटिंग नहीं होगा, जो हमने बाद में लगाए उस निशान से मेरा कटिंग होगा। देखिए फर्स्ट वाले निशान को हम कटिंग कर देते हैं, तो दोस्तों देखिए इस तरह से स्किल को तिरछा करके थोड़ा सा निशान लगाएंगे, जो हमारा मोरी फोल्ड होगा तो सही से बैठ पाएगा। तो देखिए हमारा गोला फिश का सारा निशान लगे कंप्लीट हो चुका है, अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम स्लिप का ताल पार्ट का कटिंग की तरफ आएंगे हम। तो दोस्तों ये हमारा स्लिप का गोला पार्ट है, अब हम स्लिप का ताल पार्ट का कटिंग की तरफ आएंगे हम। तो देखिए हम स्लिप का ताल पार्ट कटिंग करने के लिए देखिए कपड़े को हम अच्छी तरह से बिछा लिए हैं, और ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं हमारे गोला पार्ट का, जो देखिए इस निशान से कुछ इस तरह से हम मिला के बिछा लेंगे। और देखिए ऊपर से हाफ इंची कपड़े को छोड़ करके हम रखेंगे गोला को, देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। देखिए ये हमारा सारा मार्किंग लग चुका है। देखिए ये जो हमने मार्किंग किया, इस मार्किंग से इस निशान से हम 2.25 इंची पे एक निशान लगाएंगे हम, जो इस निशान से हमारा जो ताल पार्ट है स्लिप का वो कटिंग होगा। हमारा गोला पार्ट से ताल पार्ट 2.25 इंची चौड़ाई में कम रहता है, देखिए इस तरह से हम बिछा लेंगे। और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे हम। देखिए ये हमारा सारा मार्किंग लग के कंप्लीट हो चुका है, अब हम देखिए इधर हम पहले कटिंग कर लेते हैं। देखिए इधर हम कटिंग कर लिए दोस्तों, देखिए हम गोला पार्ट को हम हटा लिए, और ये जो मार्किंग देख रहे हैं सारा मार्किंग को हम स्किल से लाइनिंग खींच लेते हैं। और देखिए स्किल से ये सारा मार्किंग को मिला करके हमने जो गोलाप में निशान लगाया था सेम निशान यहां पर भी हम लगा लेंगे, तो देखिए ये हमारा निशान लग चुका है। हमारा गोला का जितना भी चौड़ाई था उससे 2.25 इंची चौड़ाई में हमारा तालपट कम रहता है। तो दोस्तों देखिए ये जो निशान देख रहे हैं हम इसका बीच में एक निशान लगाएंगे यहाँ से, देखिए और देखिए इस निशान से इसका बीच में और एक निशान लगाएंगे हम। देखिए ये हमारा इस तरह से निशान लगेगा, और हमारा फ्रेंच कर्व स्केल को लाएंगे और इस तरह से बिछा लेंगे हम, और यहाँ पर इस तरह से गोलाई का निशान लगा लेंगे हम। देखिए हमारा सारा निशान तालपट का लग के कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा स्लिप का गोला पार्ट और ताल पार्ट का कटिंग सारा कंप्लीट हो चुका है, अब देखिए यहाँ से हम 1 इंची का मार्जिन देंगे हम। देखिए यहाँ से हम 1 इंची का मार्जिन देंगे, ये हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन है। अगर हमारा कभी
बाजू अगर टाइट हो जाए तो हम यहाँ पर से हम लूजिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा स्लीव का तालपाट है और देखिए ये है गोला पार्ट। तो देखिए हमारा स्लीव का गोला पार्ट और तालपाट दोनों का कटिंग सारा कंप्लीट हो चुका। तो दोस्तों हमारे इस कोट का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और स्लीव पार्ट्स सारा का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।